आफ्टरनून सर, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? वाओ, यह किस तरह की सुंदरता है! ओह, आज कितना मजेदार दिन है, मैं बहुत सुंदर और फ्री हूँ। हेलो लड़को, तुम्हें पता है मुझे अब कहीं दर्द नहीं हो रहा है, मैं यंग और फ्रेश हूँ, खासकर अगर मेरे पास ऐसा रूममेट हो तो। लड़को शांत हो जाओ, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है, क्या कोई मुझे बता सकता है? हेलो दोस्तों, तुम कैसे हो? ओ, तुम्हारा दोस्त वहाँ गिर गया है, मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगी। हेलो डैन, नमस्कार, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं, यह तुम्हें पसंद है? हाँ हाँ, ये गुब्बारे में तुम्हारा पसंदीदा हैमस्टर है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जल्द ठीक होने में मदद करेंगे। क्या? ओह चलो कोई बात नहीं, मैं सबसे दिलचस्प चीज मिस कर गया, मैं फोन पर गेम खेलूंगा। कितना शानदार दिन है। रुको, तुम जानवर के साथ कहाँ जा रही हो? ये एक अस्पताल है, जानवरों को हमारे पास आने की अनुमति नहीं है, इसलिए तुम्हें खरगोश देना होगा। ठीक है, वह यहाँ तुम्हारा इंतजार करेगा। तुम्हारी समस्या क्या है? क्या, क्या आपको जानवरों के साथ अनुमति नहीं है? मुझे स्टीव के साथ क्या करना चाहिए? मेरा वफादार कुत्ता, शायद अब हाथ उतना दर्द नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, दर्द हो रहा है। ठीक है, अब हम कुछ पता लगाएंगे। ओ, एक आइडिया है, मैं अंधा होने का नाटक कर सकता हूँ, फिर मेरे प्यारे कुत्ते स्टीव को निश्चित रूप से गाइड कुत्ते की तरह जाने दिया जाएगा। इसे कैसे करना है, इसको चेक करना होगा। ओ, ओ नमस्ते, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं। ओ, मुझे किसने रोका? आप कौन है मिस्टर? आपने एक अंधे आदमी पर हमला करने का सोचा है? ओ, तो तुम अंधे हो, अच्छा अब जा सकते हो। उप्स, ये क्या, बॉल गिर गया? वाह स्टीव, नहीं बैड बॉय स्टीव। अब मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूँ। दोस्त तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारे मीठे बोन्स है, तुम मुझसे कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओह तुम चार पैर वाले जानवर, यह काम कर गया। स्टीव, अच्छे कुत्ते ऐसे व्यवहार नहीं करते हैं, क्या कोई चमत्कार हुआ? तो तुम अंधे नहीं हो, भागो यहाँ से। हमें यहाँ थोड़ी सफाई करनी होगी। गुड डे, क्या यह आपका बच्चा है? कितना प्यारा, और मेरे पास आपके बच्चे के लिए खिलौना है, मुझे उसे देखने दो। रुको, वो सो रहा है। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। ओह मेरे पास वहाँ एक कुत्ता है, मुझे माफ करना, मुझे टेस्ट कराना है, लेकिन मुझे अकेले रहने से डर लगता है। क्या मेरे राजकुमार के साथ जाना संभव नहीं है? समझ गई, ठीक है, अब हमें अब और नहीं देखेंगे, लेकिन खिलौना मेरे पास रहेगा। ओह आपको कहाँ भेजा गया था? एक मिनट रुको, हालांकि एक गिनी पिग है, रुको इसे यहाँ वापस दे दो, क्योंकि तुम जानवरों को हमारे पास नहीं ला सकते। माफ करना, लेकिन मैं नियम नहीं बनाता हूँ, जब डॉक्टर आपकी जांच कर लेंगे तो ये आपके पास वापस आ जाएगा। जानवरों के साथ इसकी अनुमति कैसे नहीं है? मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा, मैं अपने प्यारे तिलचट्टे के बिना नहीं जा सकती। अरे इस आदमी को कितना पीटा गया है, इसने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया है, मैं अपने सिर के चारों ओर एक पट्टी बांध सकती हूँ और इसमें कॉकरोच का एक जार डाल सकती हूँ, तब नर्स निश्चित रूप से मुझे जाने देगी, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा सा सिर पे बैंडेज होगा। ओह कितना दर्द हो रहा है। हेलो, क्या आपको कोई परेशानी है? वो मैंने इतना बड़ा पट्टी केवल कार्टून में देखा है। ओह माफ करना, आप अंदर जा सकती हैं। ओह मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हेलो दादी, क्या आपको लगता है कि घाव की पट्टी है और आप इससे सहमत है? कितना बढ़िया, वास्तव में ये मेरे पालतू जानवर है कॉकरोच, वे इतने प्यारे कि मैं उनसे अलग नहीं हो सकती, वे मुझे ठीक होने में मदद कर रहे हैं। दादी आप कहाँ जा रही हो? वे हानि नहीं पहुँचाते हैं, डरो मत। हेलो नर्स, मैं यहाँ ड्रेसिंग के लिए आया हूँ अपने दोस्त के साथ। क्या पालतू जानवरों को लाना वास्तव में असंभव है? ये कितना बुरा है, यदि मुझे पता होता तो मैं आपके हॉस्पिटल में नहीं आता, ये अच्छा नहीं है। क्या जानवरों के साथ अनुमति नहीं है? लेकिन मेरी मछली का क्या होगा? मुझे कुछ सोचना होगा। यह सही है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं एक्वेरियम से मछली को ड्रिप में डालूंगी, तब आप निश्चित रूप से उन्हें नर्स की मेज के पीछे ले जा सकेंगे, हम उसे ऐसा दिखाएंगे कि जैसे मेरे पास एक डिपर है। बहुत अच्छा आइडिया है यह। बढ़िया, अब हमें जल्दी से इस तरीके को चेक करना होगा, चलो चलते हैं। ओ हेलो, मैं बहुत बीमार हूँ, यह नहीं हो सकता, कितना डरावना है, चलो आप जल्दी से वार्ड में जाओ। हेलो दादाजी, और मैं आपकी नई रूममेट हूँ, मैं अपनी मछली को अंदर लाने में कामयाब रही, अब हम आपको एक और परिचित जगह पर ट्रांसफर कर देंगे। ओह यह खांसी वास्तव में मुझे परेशान कर रही है, मुझे थोड़ा पानी पीना है। अरे इस पानी में क्या है? क्या मैंने मछली पी लिया था? कितना डरावना है, क्या यह तुम्हारा है? लेकिन यहाँ जानवरों को नहीं ला सकते, यह अच्छा नहीं है।
हे भगवान, यह क्या है? तुम अस्पताल में किसे लाए हो? आप निश्चित रूप से एक एनिमल हॉस्पिटल समझकर इसे ले आई हैं। यह दूसरे रोड पर है और यह हॉस्पिटल आदमियों के लिए है। मुझे कुछ सोचना होगा। मैं अपने चूहे को अंदर नहीं ला सकती। वो एक आइडिया है। तुम स्मार्ट हो, है ना? तो चलो एक असली जासूस की तरह मेरे कमरे में वेंटिलेशन के माध्यम से चलते हैं। तुम्हें अंत में चीज के टुकड़े के रूप में इनाम मिलेगा। मुझे तुम्हारी चेक करना होगी। तुम्हारी टोपी के नीचे क्या है? और तुम्हारे पर्स में चीज। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? इसमें बहुत सारे छेद हैं। यह अजीब है कि तुम इसे खा रही हो। ठीक है, कोई जानवर नहीं है तो तुम जा सकती हो। थैंक यू। हेलो, मैं तुम्हारी नई रूममेट हूँ। थोड़ा शांत रहो, मुझे एक दोस्त से मिलना है। मिया, यहाँ चीज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चीज पर आओ। वाह, तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम खुद इस चलने में सक्षम थे और सीधे मेरे कमरे में भी। बढ़िया, कुछ और चीज खा सकते हो। ओह, जल्दी शिफ्ट खत्म होगा। रुको, आप जानवरों के साथ अंदर नहीं आ सकते। लेकिन ये हैमस्टर बिल्कुल पालतू जानवरों की तरह है। इसे आप देते हैं या हॉस्पिटल के बाहर जाएंगे? बढ़िया। क्या हम घोंगे के साथ अंदर नहीं जा सकते? कितना बुरा है। मुझे कुछ सोचना होगा। मेरी लीजी को मेरे साथ आना है। वाह, मुझे लगता है कि आपकी सिस्टर इसमें मेरी मदद करेंगी। नहीं तो उसकी ट्रॉली तो निश्चित रूप से मदद करेगी। तो बस ट्रॉली में इसे चुपचाप रख देना है। मैं यहाँ घोंगा छिपाऊंगी, ढक्कन से सब कुछ कवर करूंगी और इसके बाद जा सकती हो। ओ, तुम फिर से? आज हमारे लिए कौन सी अच्छी चीजें हैं? यह क्या है? दलिया? कितना गंदा है। मैं कुछ कैंडीज खाऊंगा और इसे रोगियों के लिए ले जाओ। अरे, ये काम किया। हम दलिया क्यों नहीं खाते? मैं आपको अभी कुछ स्वादिष्ट चीजें दूंगी ताकि आप जल्दी से ठीक हो सके। ये सबसे अच्छी दवा है। और यहाँ मेरी लीजी है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। ओह, कितनी गर्मी है। और रुको, हम किसके साथ जा रहे हैं? कछुआ? कुछ नया, आप इसके साथ अंदर नहीं जा सकती, इसलिए इसे देना होगा, तभी बैंडेज के लिए जा सकती हो। चलो, आपका कछुआ यहाँ आपका इंतजार कर रहा होगा। क्या जानवरों के साथ अनुमति नहीं है? लेकिन मेरा पास्कल मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता। हम अलग अलग नहीं है। मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, यह सही है। मैं इसे सामान के नीचे छिपा सकती हूँ। पास्कल, मेरे सिर पर शांति से बैठो। हम तुम्हें एक टोपी से कवर करेंगे और चारों ओर एक स्कार्फ बांधेंगे। बढ़िया, अब हम इसे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। चलो दिखावा करते कि मुझे फ्लू है। ओह, ये बहुत ठंडा है। टेम्परेचर 39.9 है। हेलो नर्स, मुझे तुरंत डॉक्टर की मदद चाहिए। कोई जानवर नहीं है, बस सर्दी है। अंदर आओ, वास्तव में तुम्हारे साथ कोई नहीं है। हालांकि आज बहुत से लोग अलग अलग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने सभी को पकड़ लिया है। अरे रुक जाओ, क्या तुम्हारे सिर पर गिरगिट है? चले जाओ यहाँ से। और वे सभी उन्हें मेरी ही शिफ्ट में क्यों आ रहे हैं? क्या तुम हाथी भी लेकर आ? वाह, उसे गुलाबी डोनट चाहिए। इसे पकाना काफी आसान है। ब्रायन, तुम्हें न्यूटेला खाना नहीं बल्कि डोनट बनाना है। तो फिर जल्दी शुरू हो जाओ, इससे पहले कि बेबी केट फिर से रोना शुरू कर दे। तो केट को एक डोनट चाहिए? यह तो बहुत आसान है। मैं अपना सिग्नेचर ओरियो डोनट्स बनाने जा रहा हूँ। मुझे बस कुकीज का पाउडर बनाना है और एक जैक हैमर इसमें मेरी मदद करेगा। अब मैं सब कुछ टुकड़ों में तोड़ दूंगा। ओह, इस चीज को कंट्रोल करना मुश्किल है। ओह, फ्यू, लगता है ये लगभग हो गया है। अरे वह कौन है? माफ करना अंकल बिल्डर, क्या ये आपका है? ओह, हेलो ब्यूटीफुल। आप सब कुछ एक कटोरे में डालें और उसमें न्यूटेला मिलाएं। और अब मुझे एक और कूल गैजेट की जरूरत होगी, मेरी उंगली। सब कुछ मिलाए। बढ़िया, यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी, क्या आप इसे चखना चाहती हैं? ठीक है, मैंने अभी तक इसे चाटा भी नहीं है। खैर, अब हमें डोनट मेकर में सब कुछ डालना होगा। मुझे लगता है यह बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। ओ, मैंने थोड़ा गंदा कर दिया है। खैर, कोई बात नहीं। चलो यह सब साफ करो और अब मैं अपना डोनट्स बनाती हूँ। मेरा स्टोव पहले से ही गर्म है, इसलिए मैं इसमें डो डालती हूँ। शेफ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरे पास भव्य स्वादिष्ट डोनट्स हैं। बस इसे देखो, वे कितने स्वादिष्ट और जूसी हैं। लेकिन अभी और काम बाकी है। मुझे इसके ऊपर सोने से ढके मार्शमेलो को सजाना है। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट निकलेगा। इस तरह यह अभी से ही बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन यह इतना ही नहीं है, मुझे अपने सैंडविच को चॉकलेट से ढके डोनट से ढकना है
और फिर ऊपर से गोल्ड स्प्रिंकल्स। तो आपका क्या ख्याल है? अच्छा है ना? आपका क्या चल रहा है? मेरे डोनट्स भी तैयार हैं। अब मैं अपने सुंदर डोनट्स को दिखाऊंगी। इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, बस पाउडर चीनी और बस। ये कैसी महक है ब्रायन, क्या वहाँ कुछ जल रहा है? मेरे डोनट ज्यादा पक गए हैं। वे इतने काले हैं क्योंकि वे जल गए हैं या फिर वो ओरियो से बने हैं। चलो अब इस पर पिघले हुए मार्शमेलो लगाएं और अब मैं इस पर स्ट्रॉबेरी सिरप भी डालूंगा ताकि वे जले हुए ना दिखे। दादी, बहन केटी से जरूर बहुत पसंद करेगी। और अब मेरे फेवरेट माल्टीसर्स, चलो इसे चक्कर बताओ। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे ये चाहिए, मैं इसे खाती हूँ। मेरे मुँह में क्या है? ये बहुत सोना है, मुझे वो पसंद नहीं है। और यह क्या है? वाओ, कितना प्यारा डोनट, मुझे ये बहुत पसंद है। और यहाँ क्या है? वाओ, ये डोनट्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। और यहाँ मेरे फेवरेट कैंडीज भी है, ये जरूर बहुत स्वादिष्ट है। वाओ, बहुत बढ़िया। और इसका स्वाद कैसा है? अद्भुत, मेरा भाई विनर है। ये मैं जीत गया, मैंने सबसे स्वादिष्ट डोनट्स बनाए। और अब मुझे वफल चाहिए। मेरी पोती स्वादिष्ट वफल चाहती है, ये तो बहुत ही आसान है। चलो सबसे पहले इसका डो बनाते हैं। मुझे थोड़ा आटा चाहिए और फिर इसमें अंडे मिलाने की जरूरत है। और अब बटर का एक टुकड़ा, अब इसे एक बाउल में डाले। ओह, बटर का टुकड़ा गलत जगह पर कहीं चला गया है। ओह धन्यवाद शेफ। और अब थोड़ी चीनी और दूध। वाह, कितना स्वादिष्ट ताजा दूध। और अब हम सब कुछ मिलाते हैं। दादी, आप सब तरफ बिखरा रही हो, इसे रोको। ठीक है, माफ करो। और मुझे स्कीटल्स चाहिए, मैं अद्भुत स्कीटल्स कैंडी वफल बनाने जा रही हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वफल बनाने नहीं आता। ओह, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मेरे बैग में कहीं नूडल्स थे। ओह, मुझे इसकी जरूरत नहीं है और ये एक हफ्ते पहले खो गया था। और यहाँ मेरे स्वादिष्ट नूडल्स हैं। अब मैं इसे एक वफल बनाने जा रहा हूँ, बस इसे वफल मेकर में डालना है और हमारा काम हो गया। थोड़ा केचप जोड़े, मुझे लगता है कि यह चेहरा केट को हंसाएगा। मेरा सब तैयार है और मेरा वफल भी तैयार है। उसे बाहर निकाल कर एक के ऊपर एक रख देती हूँ और ऊपर से मैपल सिरप, यह स्वादिष्ट लग रहा है। और मुझे स्ट्रॉबेरी सिरप चाहिए, दिल के आकार के ग्लास में इसे डालेंगे। और यहाँ स्किटल से बना मेरा वफल है, इसे यहाँ लगा देती हूँ और यह तैयार है। केट, तुम इसे ट्राई कर सकती हो। वाओ, यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं और यह बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इसे जल्दी से खाना चाहिए। वाओ, कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाओ, मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी सिरप, कूल। और यहाँ क्या है? वाओ, ये वफल पक्का दादी ने बनाए होंगे, ये पहली बार नहीं है जब मैं उन्हें खाने जा रही हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ओह, मैंने बहुत सारे वफल खा लिए लेकिन अभी भी भाई का वफल बचा है, मुझे ट्राई करना चाहिए। वाओ, यह मीठा नहीं है, यह नूडल्स है और केचप के साथ। यह स्वादिष्ट है लेकिन मेरा पेट बहुत भर गया है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन शेफ विनर है। वाओ, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी, मेरे वफल सबसे स्वादिष्ट है। अब मुझे एक लिक्विड कोक कैंडी चाहिए। ओके, यह एकदम आसान है। अब चलो कुछ बढ़िया बनाते हैं। मुझे कोका कोला की खाली बोतल चाहिए। यह मुश्किल था लेकिन मैंने इसे किया। अब मुझे माफ करना, अब बोतल में कॉर्न सिरप डालना होगा, बस इस तरह से। हमें यह बहुत ज्यादा चाहिए। वाह, अब कुछ नट कैंडीज, आपने देखा दादी? वाह। और अब ओह, कुछ गलत हो गया है, मेरा हाथ अटक गया है। अरे छोड़ो, आउच, अब मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा, लेकिन मैंने कैंडी को मिला लिया। और अब इसे जमाना है, इसे जमा कर ठोस करना है ताकि कैंडी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो। हाँ दादी, आपका क्या कहना है? है ना ये अच्छा? तुम्हारे कैंडी हेल्दी नहीं है, इसे कोला से नहीं बल्कि शहद से बनाना बेहतर है। शेफ, तुम क्या करोगी? मेरे पास एक शानदार आइडिया है, यह रेसिपी बेबी को जरूर पसंद आएगा। हमें बस एक फ्राइंग पैन में कोला डालना होगा, कोका कोला के साथ बहुत सारे गमीज डालने होंगे और इसे मिक्स करना है।
और मेरी कैंडी तैयार है। ओह यह कितना ठंडा है। ओह मेरे हाथ जम गए, बहुत ठंडा है। और मुझे बस एक कटोरी बर्फ चाहिए। यहाँ कुछ लिक्विड नाइट्रोजन डालना होगा। यह निश्चित रूप से बर्फ के प्रभाव को बढ़ाएगा और मैं अपनी कैंडी को बहुत तेजी से फ्रीज कर पाऊंगी। बढ़िया, अब पैन की सामग्री को एक बोतल में डालें और इसे बर्फ के साथ एक कटोरे में डाल सकते हैं। जरा देखें कि केमिस्ट्री क्या कर रही है। वाह बढ़िया, बोतल तुरंत जम गई। दादी इसे मत छुओ। क्या आप अपना हाथ बर्फ में बदलना चाहती हैं? अब इसे सर्व कर सकते हैं। वाह यह सब तो मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। मैं अभी स्टेट बियर की बोतल को ट्राई करने जा रही हूँ। ये सच में अच्छा लग रहा है। वाह चलो इसे चक्कर देखती हूँ। वाह ये शहद है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ क्या है? ओह ये कितना ठंडा है, ये ठंडा है, ठंडा। ओह ओह तो हमें कुछ करना होगा। हाँ यह बेहतर है। तो मैं कैंडी को वहाँ से कैसे निकालूं? चलो बाहर निकल जाओ। ओह ओह यह काम किया। यह स्वादिष्ट है। और मेरे भाई ने क्या किया है? यह अच्छा लग रहा है। वाव कितना अच्छा, मुझे वास्तव में यह कैंडी पसंद है। वाव बहुत अच्छा, भाई जीत रहा है। हुर्रे मुझे पता था कि मैं बेस्ट हूँ। वाव हाँ तो ठीक है, अब मुझे फ्राइड एग चाहिए। बस कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बनाओ। शेफ आपको ये बहुत अच्छा करना होगा। ये दादी के लिए बहुत ही आसान होगा लेकिन ब्रायन कुछ अलग करेगा। चलो शुरू हो जाओ। हाँ तो अब मुझे थोड़ा तेल डालना है। अरे निकलो। ओह माफ करना। ओह दादी दर्द होता है। तो अब हम कुछ अंडे तोड़ते हैं। ओह माफ करना दादी, मैं बस खाना पकाने में मग्न हो गया था। वाह ये बुरा नहीं है। मुझे तुरंत ही कुछ खाने लायक बनाना होगा, नहीं तो ब्रायन के फ्राइड एग खाने के बाद हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। यहाँ देखिए कि आपको कैसे चाहिए। ब्रायन तुम्हारा सब जल गया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मैं लिक्विड मार्शमेलो से फ्राइड एग बनाऊंगा और एक पिच। अब ये आपकी तरह दिख रहा है ना? और मैं क्या करूँ? हाँ कुछ ताज़ा सब्जियाँ और हर्ब्स डालना जरूरी है। आपके फ्राइड एग बहुत पुराने स्टाइल के दिख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि रेस्टोरेंट में फ्राइड एग कैसे बनाते हैं। ये क्लासिक आकार नहीं होगा बल्कि उसका आकार। अरे मेरा सांचा कहाँ है? ब्रायन ये मेरा ड्रैगन है। काला डाई डालें और फ्राई करें। अब हम आंखें और आग बनाते हैं। बढ़िया यह ड्रैगन इतना प्यारा बना है कि केट को यह जरूर पसंद आएगा। मैं प्लेट पर कुछ हरियाली जोड़ूंगी जहाँ मेरा ड्रैगन चरेगा। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैंने इसे बहुत अच्छे से किया है। आइए देखिए कि केट का क्या कहना है। वाह यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। मैं यहाँ इस ड्रैगन को खाना चाहती हूँ। वाह कितना अच्छा है, यह स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह टमाटर, मुझे ये पसंद है, स्वादिष्ट। और अंडे के बारे में क्या? खैर यह साधारण है। ठीक है और यहाँ क्या है? वाओ ये पीच है। वो यहाँ क्या कर रहा है? योगर्ट। वाओ मुझे ये मीठा फ्राइड एग बहुत पसंद आया। और भाई जीत रहा है, ये सच में अच्छा है। मैं प्लेट चाट कर खाऊंगी। बधाई हो भाई। वाओ मैं फिर से जीत गया, आज किस्मत मेरे साथ है। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मुझे भूख लगी है, हमें जानना है तुम क्या चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि आप पहले राउंड में मेरे लिए पास्ता बनाए। पास्ता? मैंने पहले से कभी नहीं पकाया है लेकिन कर सकती हूँ। दादी जागो, बेबी को नूडल्स चाहिए। नूडल्स? आसानी से, मैंने उसके लिए कितनी बार नूडल्स बनाया है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सभी क्लासिक रेसिपी के अनुसार होगा। अच्छी ओ माफ करना, यह आटे की वजह से हुआ। सब ठीक है, और फिर से माफ करना। मैं सिर्फ अपनी नूडल्स बनाना चाहती हूँ। आटे के बाद अंडे का उपयोग किया जाएगा। मैं उसके साथ जगलिंग भी कर सकती हूँ। आउच रुको। ओह फिर से मुझे माफ कर दो, मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी जगलर हूँ। खैर जब आटा तैयार हो गया है तो हम इसे छोटे बॉल्स में बांटना होगा और हर एक को एक निश्चित रंग में पेंट करना होगा। उसके बाद एक विशेष मशीन की मदद से मैं आटा को नूडल्स में काटूंगी। इसके लिए हमें बस इस मशीन में आटा को ध्यान से घुमाना होगा। मेरी राय में ये बहुत अच्छा निकला और सबसे जरूरी बात ओरिजिनल। सभी के पास साधारण नूडल्स होंगे और मेरे नूडल्स फूलों के रूप में होंगे। दादी आपका कैसा चल रहा है?
सब ठीक है, मेरी पोती को हमेशा केचप के साथ साधारण नूडल्स पसंद होते हैं, तो मैं क्यों नहीं उसके लिए वही बनाऊं? यह संतोषजनक और स्वादिष्ट दोनों होगा। वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? थिंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे नूडल्स साधारण दिखे, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा रंगीन है। इसमें थोड़ा काला डाई मिलाते हैं, इसकी बात ही अलग होगी। मैं इसमें केचप भी मिलाऊंगी, यह खून की जगह होगा। वैसे इसके अलावा मैं गमी आंखें डालूंगी ताकि वे ज्यादा खूबसूरत होंगे। बेबी, क्या तुम इसे चखने और विनर चुनने के लिए तैयार हो? पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शायद पहले मैं दादी के बनाए नूडल्स को ट्राई करूँगी। मुझे ये तब से पसंद है जब मैं छोटी थी। मुझे लगता है इस बार भी इतना ही स्वादिष्ट होगा। जैसा मैंने सोचा था, अद्भुत स्वाद। इसके बाद इनिट के नूडल्स को चखूंगी। यह बेशक बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा बना है। यह असली आर्ट है। मैं तो इसे खाना भी नहीं चाहती। एनी ने अलग से पास्ता भी रखा है। ओ हाँ, ये बिल्कुल पिशाच के नुकीले दांत की तरह है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये पका हुआ नहीं है, सूखा है। इसे ऐसे खाना अच्छा नहीं है। इनिट, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे दांत लगभग टूट गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे फूल को नहीं खाऊंगी। और यह क्या है? गमी आइस। मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाओ, मुझे ये बहुत पसंद है। वेंस जी, तुम्हें कैसे पता चला कि गमी कैंडीज नूडल्स के साथ अच्छे से जाता है? इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। मैं इस स्वादिष्ट नूडल्स को पूरा खत्म कर दूंगी। मैंने प्लेट पर सॉस की एक बूंद भी नहीं छोड़ी है। मुझे लगता है कि विनर स्पष्ट है। सबसे अच्छे नूडल्स वेंसडे ने बनाए हैं। वाओ, यह सही नहीं है। मैंने भी कोशिश की थी। वेंसडे से दूर रखो। एक बुजुर्ग महिला को डराना बंद करो। बेबी, तुम्हें इस बार क्या चाहिए? हाँ, मुझे एक कॉकटेल चाहिए। क्या बनाएंगे? आसानी से, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी बेटा। मैं कॉकटेल बना सकती हूँ और अब मैं इसे बनाऊंगी ताकि आप इसे अपने जीवन में कभी ना भूले। कॉकटेल की मुख्य सामग्री सामान्य स्प्राइट होगा। इसे ऐसे अलग आकार के ग्लास में डालना होगा। अब इसमें अंदर एक सीक्रेट सामग्री डालूंगी जो स्प्राइट को सही रंग देगा। यह हरा हो जाएगा। थिंग, इनिट के पास जाकर मेरे लिए क्रीम लाओ। यह कैसा शैतान का हाथ है, दूर हटो। दादी, मेरे असिस्टेंट को नाराज मत करो। थिंग केवल वही कर रहा है जो मैंने उसे कहा है। मुझे कॉकटेल पर डालने के लिए क्रीम की जरूरत है और ऊपर से गमी आइस भी डालना है। मैं मानती हूँ गमी आइस मेरी फेवरेट कैंडी है। यह अच्छा दिख रहा है और स्वादिष्ट भी है, और थोड़ा लाल सिरप भी बुरा नहीं होगा। मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ? मुझे भी अपना कॉकटेल बनाना शुरू करना चाहिए। यह निश्चित रूप से गमी कैंडी के साथ शुरू करने लायक है। सबसे पहले उन्हें रंग के हिसाब से छांटना होगा। हो गया, अब उन्हें एक लंबे ग्लास में लेयर्स में बिछाना होगा। जरा देखो ये कितना सुंदर है। एक हेयर ड्रायर के साथ इन गमीज को पिघलाने की जरूरत है ताकि वे एक गाढ़े घोल में बदल जाए। और फाइनल टच व्हिप क्रीम है। इससे ड्रिंक सर्व करने में सुंदर लगता है, और एक छोटा गमी भी शानदार होगा। वाओ लड़कियों, तुमने सुंदर और स्वादिष्ट कॉकटेल बनाए हैं, लेकिन तुमने मेरी पोती के स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं एक कॉकटेल बनाऊंगी जो एकदम पौष्टिक होगा। इसमें बहुत तरह की सब्जियां शामिल होंगी जिन्हें मैं इस ब्लेंडर में भर दूंगी, और जितना अधिक उतना अच्छा। और मैं इसे पूरा भर दूंगी। और अब केवल ब्लेंडर में सब्जियों को पीसना बचा है, और कॉकटेल तैयार है। और इसकी महक कैसी है, भयानक। मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या पक्का है? मैं कहीं भागना चाहती हूँ। कुछ भी, लेकिन मेरी पोती अपने स्वास्थ्य के लिए मेरी चिंता की सराहना करेगी, है ना? यह विनर चुनने का समय है। देखने में तो सभी कॉकटेल बहुत अच्छे हैं। दादी का कॉकटेल सबसे साधारण दिख रहा है, तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। मुझे इस गंदी टहनी की चिंता है। आशा है कॉकटेल अच्छा होगा। यह घिनौना है दादी, इसे पीना असंभव है। अब इनिट के कॉकटेल की बारी है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, और मुझे व्हिप क्रीम बहुत पसंद है, और यहाँ ये बहुत सारे हैं। इस तरह के कॉकटेल को पीना नहीं चाहिए, बल्कि चम्मच से खाना चाहिए। और हम स्वादिष्ट व्हिप क्रीम का एक ग्राम भी नहीं छोड़ सकते। क्रीम खत्म हो गया है, और एक ट्यूब लेती हूँ। अजी, कॉकटेल इतना गाढ़ा क्यों है? इसे पीना असंभव है। और मैं ऐसे कॉकटेल को जीत कैसे दे सकती हूँ जिसे मैंने चखा भी नहीं? नहीं, ये अच्छा नहीं है। वेंसडे, सभी आशा तुम पर है। मैं इसे तुरंत पीऊंगी। आखिरकार स्वादिष्ट। मैं इस कॉकटेल को हमेशा पीना पसंद करूंगी, क्योंकि यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती। हाँ, वाओ, यह तो बहुत ही अच्छा है, ऊपर से व्हिप क्रीम। और विनर कौन है? जाहिर है वेंसडे, उसने बहुत अच्छा कॉकटेल बनाया है। मुबारक हो। इस राउंड में हमें क्या बनाना है? दादी, यह
बहुत आसान है, मेरे लिए सलाद बनाओ, मुझे कुछ हल्का चाहिए। ठीक है, सलाद ही सही, यह किया जाएगा। बस कुछ मिनट, तुम्हें अपने जीवन का सबसे अच्छा सलाद मिलेगा। मैंने तुम्हारे लिए सलाद की पत्तियों को उगाया है, इसे सलाद का आधार बनाती हूँ, फिर चीज और ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर है मुझे इस सलाद की रेसिपी पता है, हमें रसदार चेरी टमाटर को नहीं भूलना चाहिए, इससे सलाद स्वादिष्ट और खूबसूरत दिखेंगे। मेरा सब तैयार है। मुझे समझ आ गया कि सलाद को ना केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर भी कैसे बनाया जाए। मैं फिर से फूलों की थीम पर लौटूंगी और सब्जियों से छोटे और प्यारे फूल बनाऊंगी। मेरे पास इसके लिए मोल्ड भी है। मुझे तो यह आइडिया अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक असली गुलदस्ता जैसा दिख रहा है और एक स्वादिष्ट सलाद भी है। ओह फूल, यह बोरिंग है, सलाद में कुछ गहरा रंग चाहिए, जैसे कि कम से कम थोड़ी बेजिल लीव्स। मैं इस खोपड़ी से खुश हूँ, इसलिए यह भी प्लेट पर होगा। इस खोपड़ी पर मैं चीज और हैम चिपका दूंगी। अब हमें पूरी चीज पर केचप डालना है और दो आंखें लगानी होगी। इस तरह से खोपड़ी ज्यादा दिलचस्प लगने लगेगा। कितना डरावना है, अगर मैं इसे रात में देखूंगी तो डर के मारे नीचे गिर जाऊंगी, लेकिन यह मैं नहीं बल्कि बेबी तय करेगी। अरे स्वादिष्ट सलाद, वेंसडे तुमने इस बार क्या बनाया है? ओह कितना डरावना है, मैंने ऐसा भयानक सलाद कभी नहीं देखा। नहीं यह वैसा नहीं है जैसा इसे होना चाहिए, मैं नहीं खा सकती। चलो देखें कि दादी ने मुझे कैसे सरप्राइज किया है, उनका सलाद वास्तव में सीजर के समान है। यह हुआ ना सलाद जिसे मैं हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। मैं रुकना भी नहीं चाहती, मैं जल्द से जल्द प्लेट खाली करना चाहती हूँ। यह सलाद स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों है, अब मैं बहुत मजबूत हो जाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं इनेट के फूलों को ट्राई करूंगी। छी, यह सिर्फ सब्जियां हैं, स्वादिष्ट नहीं, लेकिन मुझे दादी का सलाद पसंद आया, बधाई हो। दादी उधर देखो, बेबी टास्क देने के लिए तैयार है, मुझे डोनट चाहिए। तुम्हें डोनट मिलेगा, मुझे भी यह पसंद है, इसलिए मैं इसे बना सकती हूँ। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि डोनट्स कितने बोरिंग होंगे, ऐसा क्यों? और वैसे भी डोनट का स्वाद जरूरी होता है, बेबी को केवल उसे देखना नहीं है। और मैं फिर से कुछ रंगीन बनाऊंगी, या कहूँ तो मेरे प्रत्येक डोनट्स का अपना रंग होगा, आमतौर पर लोग ऐसा पसंद करते हैं। अब वह क्या था? मेरे पास मत आओ, बेकिंग से मेरा ध्यान मत हटाओ, मेरे डोनट्स तैयार होने वाले हैं। आधा काम हो गया, यह सजाने का समय है। बेशक लाल स्ट्रॉबेरी सिरप के बिना काम कैसे चलेगा, वह वास्तव में खून की तरह दिखता है। लेकिन इतना ही नहीं है, सफेद ग्लेस की मदद से मैं मकड़ी के जाल के रूप में एक पैटर्न ड्रॉ करूंगी। यह ऐसा है जैसे मानो मैंने इन डोनट्स को मकड़ी के जाले से बाहर निकाला हो। ठीक, इसे ले लो, और मुझे न्यूटेला चाहिए, उसे लाओ। शाबाश, तुम्हारे बिना मैं इतने चमगादड़ नहीं बना पाती। देखो यह कितना अच्छा है, मैंने असली सुंदर डोनट्स बनाए हैं। दिलचस्प, मैं डोनट्स को बहुत ज्यादा नहीं सजाना चाहती, उनके स्वाद को और अच्छा बनाने के लिए मैं सिर्फ डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कूंगी। यह सभी को पसंद आता है, तो मेरी पोती भी खुश होगी। मेरे रंगीन डोनट्स भी तैयार है, वे बहुत सुंदर है, हम उनके साथ तस्वीरें भी ले सकते हैं। यह अच्छा है, लेकिन यह इतना ही नहीं है, ऐसे डोनट्स के साथ रंगीन स्प्रिंकल्स अच्छे होते हैं, हमें बस इसे खोलना है। अब मेरी पूरी जीभ कैंडी में ढकी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, यह बेबी के लिए विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने फिर से कुछ अलग सा किया है, यहाँ तक कि चमगादड़ भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। वाह, बुरा नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे और अधिक की उम्मीद थी। अब आगे दादी के डोनट्स को चखूंगी, इससे पहले कि मैं उन्हें खाऊं, मैं एक छोटा टावर बनाना चाहती हूँ, इस तरह से ये बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। बढ़िया, साधारण डोनट्स है, स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। आइए देखें कि इनिट ने मेरे लिए क्या बनाया है, उसके डोनट्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ऐसा मुझे पसंद है। वाह,
यह तो कमाल का है। इनिट, यह स्पष्ट है, तुम्हारे डोनट सबसे अच्छे हैं।